फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टेयरकेस सिस्टम की वायरिंग करना सीखेंगे। इसको हम सीडी की वायरिंग भी बोलते हैं, स्टेयरकेस वायरिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक ये डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम की सहायता से आपको समझाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे स्विच और होल्डर की सहायता से प्रैक्टिकल भी वायरिंग करके इसको टेस्ट करके दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। लेकिन उससे पहले आप एक बार इसको समझ लीजिए कि स्टेयर के सिस्टम में वायरिंग कैसे की जाती है, यानी कि टू वे स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। यहाँ पे हमने दो टू वे स्विच लिए फ्रेंड्स। इसके सर्किट हमने यहाँ पे बना रखा है डायग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक टू वे स्विच यहाँ पे है और एक टू वे स्विच यहाँ पे है। होल्डर की जगह पे हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा के आपको दिखा रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो टू वे स्विच होता है उसके ऊपर यहाँ पे या तो टू वे स्विच लिखा हुआ या ऊपर और नीचे निशान बना हुआ होगा, उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है फ्रेंड्स टू वे स्विच की। जो पीछे के जितने भी टर्मिनल होते हैं उनकी संख्या तीन होती है, यानी कि पीछे से अगर टर्मिनल देखेंगे तो यहाँ पे आपको तीन टर्मिनल दिखाई देंगे, तो वो हमारा टू वे स्विच होगा फ्रेंड्स। अगर दो टर्मिनल है तो वो वन वे स्विच है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के लिए इसकी दो हमें स्विच की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हमारे पास ये स्विच हमने डायग्राम में बना रखे हैं। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली जब हम स्टेयरकेस के ऊपर चढ़ते हैं तो उस एरिया में अंधेरा रहता है, तो हम यहां से इसको ऑन करके चलेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा और वहां पे लाइट हो जाएगी, यानी कि प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसके ऊपर सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे और जैसे ही हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे यानी कि छत के ऊपर चढ़ जाएंगे तो यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ होगा इसको हम ऑपरेट कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे, तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम तो ऊपर चले गए और हमारे पीछे पीछे कोई और आ रहा है, तो यहां से हम इसको दबा के जो भी पीछे आ रहा है उसको यहां से दबाएगा तो फिर से लाइट ऑन हो जाएगी और यहां पे आने के बाद इसको बंद कर सकता है, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आना होगा तो यहां से इसको ऑन करेंगे, ये ऑन हो जाएगा और नीचे उतरते ही इसको बंद कर देंगे, यानी कि हमारी जो बिजली है वो भी बच जाएगी, जो बल्ब है वो भी हमेशा के लिए जला नहीं रहेगा, वो भी बंद हो जाएगा। तो ये इसका एक सिस्टम होता है। अभी हम इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इसके अंदर फेज और न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहां से हमने फेज सप्लाई लेंगे, ठीक है। तो फेज सप्लाई सीधी डायरेक्ट चली जाती है फ्रेंड्स जो टू वे स्विच, एक टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल के अंदर यहां पे चली जाएगी। तो यहां से फेज वायर उठा और यहां पे टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे जुड़ गई है। अभी जो टू वे स्विच का पहला टर्मिनल है, ऊपर का टर्मिनल है, उसको हम क्या करेंगे, जो दूसरा टू वे स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ इसको जोड़ देंगे। तो ये हम एक वायरिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स डायग्राम की सहायता से, ठीक है। और जो इसका पहले वाले स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है और जो दूसरे स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है, उन दोनों को भी हम वायर से जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहां से लेके यहां पे जोड़ दिया हमने, यहां से लेके यहां पे जोड़ दिया है। अभी जो दूसरा टू वे स्विच है इसका जो बीच का टर्मिनल बचा हुआ फ्रेंड्स, यहां से वायर निकलेगी और वो चली जाएगी फ्रेंड्स होल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये होल्डर का हमने टर्मिनल बना रखा है, तो यहां पे ये होल्डर के टर्मिनल के अंदर आ गई है। अभी फ्रेंड्स जो फेज वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो न्यूट्रल आता है वो हमेशा फ्रेंड्स डायरेक्ट आता है, ठीक है। ये न्यूट्रल है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, जो होल्डर है, होल्डर का दूसरा पॉइंट बचा हुआ फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं, होल्डर के अंदर दो टर्मिनल है, एक और दो, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यहां से न्यूट्रल जो आएगा वो हम डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे 220 वोल्टेज सप्लाई दे दी है और ये न्यूट्रल डायरेक्ट चला जाएगा और फेज यहाँ पे आएगा। अगर इसको हम ऑन करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे जाने, जैसे कि इसके अंदर स्विच ऐसे होता है, ठीक है, ये नीचे है तो यहां से सप्लाई होते हुए ये आ जाएगी और ये ऊपर का स्विच है वो इस दिशा में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसके अंदर चली जाएगी सप्लाई, तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं इसको बंद कर देंगे तो यहां से ये लिंक हट जाएगा और ऊपर की साइड चला जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा, इसको सप्लाई जानी। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था एक सर्किट डायग्राम जो कि सीडी वायरिंग बोलते हैं, स्टेयर केस वायरिंग सिस्टम बोलते हैं, या फिर टू वे स्विच के कनेक्शन भी बोल देते हैं इसको। अभी हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं, जैसे हमने सर्किट के अंदर किया वैसे ही हम करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पास दो टू वे स्विच है, दोनों टू वे स्विच के नीचे तीन तीन टर्मिनल दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे हमने
इसके अंदर ऊपर का ऊपर वाले टर्मिनल के साथ जोड़ा, नीचे का नीचे वाले टर्मिनल के साथ जोड़ा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो ऊपर का टर्मिनल है उसको हम ऊपर के टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, नीचे वाले टर्मिनल को नीचे वाले टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे हमने सर्किट के अंदर ऊपर नीचे का जो ऊपर नीचे का जो टर्मिनल है वो सीधा डायरेक्ट दूसरे स्विच के ऊपर वाले में नीचे वाले में कनेक्ट कर दिया है। तो यहां पे 1 2 3 4 इस तरह से ये वायरिंग हो गई है। अभी जो फ्रेंड्स दूसरा वाला स्विच है, दूसरे वाले स्विच के यहां से कनेक्ट होकर सप्लाई होल्डर के अंदर चली जाती है, यानी कि दूसरा स्विच है। इस दूसरे स्विच के अंदर हमने क्या करना है, वायर को जोड़ना है और होल्डर तक पहुंचा देना है। अभी इस वायर को हम क्या करेंगे, होल्डर के पास कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स हम जितने भी इसके अंदर ये टूल वगैरह यूज कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, कटर है, प्लायर है, टेस्टर है, पेचकस है, या फिर टू वे स्विच है, होल्डर है, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, अमेजोन के लिंक दिए हुए हैं हमने, ठीक है। अभी जो फ्रेंड्स ये वायर बचा है, इस वायर को हम क्या करेंगे, होल्डर के एक टर्मिनल के ऊपर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने होल्डर के अंदर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इसको हम इस तरह से रख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी बारी आती है फ्रेंड्स इसके अंदर फेज और न्यूट्रल सप्लाई देने की। जो फेज आया था फ्रेंड्स, इनकमिंग फेज आया था, उस फेज को हम क्या करेंगे, सीधा लेके पहले वाले स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। तो पहले वाला स्विच ये है, इस स्विच के बीच वाला टर्मिनल ये वाला है, तो यहाँ पे हम फेज सप्लाई को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर की वायर है जो फेज वायर है, इसको हम बीच वाले स्विच के नीचे वाले सॉरी पहले वाले स्विच के बीच वाले टर्मिनल के अंदर इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया है, और जो न्यूट्रल है फ्रेंड्स वो न्यूट्रल सीधा डायरेक्ट हमारा कहाँ गया था, होल्डर के अंदर। तो हमारे पास ये ब्लैक कलर की वायर है, इस वायर को हम क्या करेंगे, होल्डर का जो एक टर्मिनल दिया हुआ है, एक टर्मिनल के अंदर हमने फेज जोड़ दिया, दूसरे टर्मिनल के अंदर हम न्यूट्रल वायर को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारी वायरिंग हो जाती है कंप्लीट। अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, इसके अंदर एक बल्ब लगा लेंगे और इसको सीधा करके इसको टेस्ट करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से ड्रेस कर लिया है, यानी कि अच्छे से सेट कर लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे ये काम कर रहा है। तो होल्डर के अंदर हमने एक ये ब्लू कलर का बल्ब लगा लिया है, ताकि आपको दिखा सके कि कैसे ये काम कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। तो हमने पीछे से सप्लाई को इसके अंदर कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से फेज और न्यूट्रल सप्लाई इसके अंदर आ रही है। जैसे ही हम सीडी के पहले वाले स्विच के पास पहुंचते हैं, तो हम इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, उस एरिया में लाइट हो जाएगी। जैसे हम यहां से यहां पे पहुंचते हैं, यहां पे पहुंचने के बाद जब हम ऊपर चले जाएंगे, छत के ऊपर चले जाएंगे, या फिर हमारा ऊपर वाला रूम है वहां पे चले जाएंगे, तो इसको हम प्रेस कर देंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ऊपर का काम खत्म करके हम जब हम नीचे आते हैं तो हम इसको ऑन करेंगे, और फिर नीचे आने के बाद इसको ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पीछे कोई और आ रहा है तो इसको ऑन कर सकता है और नीचे आके ऑफ कर सकता है। दोबारा से अगर कोई ऑन हो जाता है तो यहां से ऑन करेगा और यहां से ऑफ कर देगा, ठीक है। अगर नीचे से कोई ऊपर जा रहा है तो यहां से ऑन करेगा और ऊपर से जाके ऑफ कर देगा। इस तरह से आप यहां से ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, यहां से भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वायरिंग, जिसको हम बोलते हैं स्टेयर केस वायरिंग, यानी कि सीडी की वायरिंग, कहीं कहीं पे इसको जीना वायरिंग भी बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपने सीख लिया कि किस तरह से हम स्टेयर केस वायरिंग को करते हैं, किस तरह से सीडी की वायरिंग को करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।